डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रेखीय आवर्धन है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ, रेखीय आवर्धन ऑफ लेंस या लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, रेखीय आवर्धन किसका निकाल रहे हैं हम? लेंस का। ठीक है, तो लेंस के लिए हम रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब ये होता क्या है, ये एक नया टॉपिक आ गया है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब बच्चों लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा एम, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो स्मॉल एम है। इसका मतलब होता है वस्तु की जो मतलब इमेज है उसकी हाइट अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। अब आप जानते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच टू अपॉन एच वन से, यानी कि एच टू क्या है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है वो एच वन है, यानी इट इज़ अ सिंपल ये रेशियो। जानकारी के लिए बता दूँ इसके कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो एम है एच वन मीटर में रहेगा, एच टू मीटर में रहेगा, एच टू मीटर में, एच वन मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की या उसकी इमेज की हाइट। तो वहाँ पर उस केस में मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट ही नहीं होगी। आप लिख सकते हैं देयर इज नो यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, मुझे यहाँ पर पतले लेंस के लिए मुझे रेखीय आवर्धन निकालना है। एक छोटा सा डेरिवेशन पूछता है दो नंबर का कि पतले लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के लिए गणना कीजिए या रेखीय आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो रेखीय आवर्धन हम कैसे निकालेंगे पतले लेंस के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। मेहनत करो, मेहनत मेहनत करके ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। जो बच्चे सोचते हैं एंड टाइम पे पढ़ेंगे ठीक है धन्यवाद, लेकिन इतना प्रेशर होता है उस समय पे, और डेली कंटिन्यूटी होनी चाहिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक, रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक। और हम बात कर रहे हैं लेंस के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में मिरर तो है नहीं है, तो लेंस के लिए ही बात करेंगे सारी चीज़ें। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, और ये आपको पता है प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल लाइन सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर हुआ। मान लीजिए इसको मिला देते हैं, ये लीजिए, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, और ये यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट रह जाएगी तो फोकस से होती हुई निकल जाएगी, आपको पता है अच्छी तरीके से। और अगर एक लाइट रे यहाँ पर ऊप से जा रही है तो ये भी सीधी सीधी किसी एक पॉइंट पर आके मीट कर जाएगी। ये और यहाँ पर ये लाइट रे यहाँ पर आके मीट कर रही है, यानी कि यही आपका ए डैश बी डैश बनेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये क्या बना दिया सर आपने, हैं ये कुछ नहीं बनाया मैंने, ये लेंस का मैंने इमेज फॉर्मेशन के लिए, मुझे पता है दो लाइट रे का कॉन्साइड होना बहुत ज़रूरी होता है, एक ऑब्जेक्ट कई सारी लाइट रे इमिट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमें ए बी। अब बच्चों ए बी से मान लो मैंने बताया इमेज बनाने के लिए, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो लाइट रे की ज़रूरत होती है। तो जो ए बी से पहले नंबर की लाइट रे, ये लीजिए भैया पहले नंबर की लाइट रे, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो माध्यम को देखते हुए वो मतलब माध्यम कैसा है, माध्यम का नेचर कैसा है, डेंसर है या रेयर है, उसी के अकॉर्डिंग वो बेंड हो जाएगी। ये भैया लो ये चली गई,
अब क्या हुआ, ये फोकस होके जाएगी पहली लाइट रे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का है। दूसरी चीज़ ये, अगर सेकेंड लाइट रे की बात करूँ, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो पार निकल जाती है, तो ये दूसरी लाइट रे ये आपकी पार निकल गई। तो कुछ आपको डायग्राम समझ में आया, ये लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइट रे यदि सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, कांच है, तो पहली लाइट रे गई तो ये फोकस से होके चली गई, ठीक है। अब हमें इमेज, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, इस ऑब्जेक्ट से कई सारी लाइट रे जाएंगी। दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, यानी प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, तो प्रकाशिक केंद्र से ही होकर ये वापस चली, मतलब प्रकाशिक केंद्र से होके ही ये निकल जाएगी। जैसे आई है वैसे ही, जैसे आई है जिस डायरेक्शन में जा रही है वैसे ही निकल जाएगी ये बाहर की ओर। अब बच्चों आपको कुछ यहाँ पर आपको सिंबल्स मैंने बताए थे आप लोगों को, जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस होती है उसको एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करता हूँ, दैट मीन प्रकाशिक केंद्र से ही मैं मेज़र करता हूँ। जो ये जो इमेज बनी है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी है, उसकी डिस्टेंस को मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब बच्चों आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है, एक छोटा सा डेरिवेशन में यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश तथा दूसरा ट्रायंगल है ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, इन दोनों में क्या मतलब आपको दिखाई दे रहा है, आप थ्योरम लगा सकते हैं दोनों समरूप हैं, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की अगर मैं बात करूँगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, क्लियर है ये चीज़ भाई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब मैं बात करूँ ए डैश बी डैश की वैल्यू को, तो यहाँ पर ओ ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है ए डैश बी डैश। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट ही अगर मैंने माना हाइट एच वन है तो जाहिर सी बात है इससे काफ़ी बड़ा बनना है, तो ये एच टू मान सकता हूँ, ये लीजिए, तो ए डैश बी डैश की हाइट हो गई एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू ओ बी डैश। ओ बी डैश का मतलब क्या हुआ, ओ बी डैश इसका मतलब ये हो गया वी अपॉन, और ओ बी का मतलब क्या हुआ, ओ बी का मतलब क्या हुआ माइनस यू। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, मैंने साइन कन्वेंशन बता रखे हैं आपको, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर देखेंगे पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे देखेंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो जो एच टू होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष से नीचे की ओर हाइट बन रही है, तो मुख्य अक्ष से हाइट नीचे बनने की वजह से ये माइनस लगा दिया मैंने, और यहाँ पर यू पे माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि लाइट रे ऐसे जा रही है, हम लाइट रे के अपोजिट में मेज़र कर रहे हैं लेंथ को, तो ये यू हो गया। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा, यानी एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे सर माइनस कैसे कैंसिल आउट कर दिया, बताता हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं पूछो, ये माइनस तो समझ में आ गया ना, माइनस एच टू इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर ना प्रिंसिपल एक्सिस ये जो जा रही है एक्स और वाई, एक्स और वाई इस एक्स वाई से नीचे मेज़र कर रहे हैं, एच वन ऊपर मेज़र कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वी पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्रिंसिप जो लाइट रे जा रही है ना तो हम इसी डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, तो ये वी हमारा इसीलिए पॉजिटिव है बच्चों। और यहाँ पर यू मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये हम अपोजिट साइड में देख रहे थे। आप ऑप्टिकल सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर पर अपना पेन रख लीजिए, अब आप देखिए सीधे हाथ की ओर बढ़ रहे हैं उल्टे हाथ की ओर, ऐसे सॉल्व करने पे ऐसे होगा, यहाँ पे माइनस लिया कॉमन तो एच टू अपॉन एच वन आया, यहाँ पर ये अंश अपॉन हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी माइनस का वी अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व करने पर एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू निकल के आएगा वी अपॉन यू, और यही आपका क्या होता है रेखीय आवर्धन। तो आप चाहें लेंस के लिए अगर ये पॉजिटिव रहती है सारी वैल्यू, ये याद रखना एच टू अपॉन एच वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ प्रतिबिंब अपॉन हाइट ऑफ वस्तु, एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन था, पर लीनियर मैग्नीफिकेशन के मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जो कि बोर्ड लेवल के होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल में जितना भी सिलेबस है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेखीय आवर्धन पर वो इक्वेशन पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। Thank you very much.